औलाद का बड़ा ख्याल रहता है, जज्बा है ये माँ और बाप का। जन्नत में जाके माँ और बाप ये कहेंगे हमारे बच्चे नजर नहीं आ रहे, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए जवाब देंगे या खुद देंगे, जो भी अल्लाह का तर्ज है। फरमाया इनसे कह दो तुम्हारे बच्चे भी जन्नत में, लेकिन तुम ऊपर के दर्जे में हो वो नीचे हैं। जाहिर है कि माँ बाप का मकाम बुलंद भी होता है और माँ बाप का अमल भी बड़ा होता है आमतौर पर। इनसे कह दो कि बच्चे जन्नत ही में हैं, सब बच्चे, वो नीचे हैं। तो माँ बाप ये कहेंगे ऐ अल्लाह जन्नत में आके सब कुछ मिल गया, हमारी आंखें ठंडी हो जाए अगर हम औलाद को देख लें, नजर पड़ जाए। खुदा की कसम मैं कहता हूं मां और बाप का हक अदा करो। इख्तलाफ होना और मर्जी के खिलाफ होना इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेअदबी न कर। अल्लाह मियां का ये जवाब काफी नहीं था फरिश्तों के जरिए कि भाई वो भी जन्नत में ही है, नीचे हैं। मां बाप को करार कहते हैं कि अगर हमें नजर आ जाए हमारी आंखें ठंडी हो जाएंगी औलाद को देख। अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों से भाई ये जन्नती हैं, मैंने इन्हें सब कुछ दिया, अब इनकी ये तमन्ना है कि औलाद को देख लें। फरिश्तों से फरमाएंगे मैं ये कर सकता था कि इनसे कहूं कि जाओ तुम नीचे जाके औलाद से मिल लो और उन्हें देख लो, लेकिन मेरी शान करीमी के खिलाफ है कि मैं ऊपर से किसी को नीचे लाऊं। जाओ मेरा हुक्म है कि बच्चों को नीचे से ऊपर ले आओ। अल्लाह ताला हमारे वालदैन के दर्जात को बुलंद फरमा। खुदा की कसम माँ और बाप का कुछ बदल नहीं हो सकता। हम मां और बाप को नीचे नहीं लाएंगे लेकिन इनकी औलादों को ऊपर ले।